अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना विधि कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं आगे भी तुम्हारा ऐसे ही साथ दूंगा विधि, हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करते रहूंगा विधि। जो प्यार ये तुम्हें नहीं दे पाया वो प्यार मैं तुम्हें दूंगा विधि। ये देव रायचंद तुम्हारे लायक नहीं है विधि, ये तुम्हें कभी नहीं समझ पाएगा। मेरे बच्चे को मारा तुमने, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। विधि विधि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, मैं तुमसे वादा करता हूँ इसने जो भी किया है उसे की सजा इसको दिला के रहूंगा। मैं अपने हाथ उसके गंदे खून से रंगने की जरूरत नहीं है। इसने जो हमारे साथ किया वो हमारा बच्चा दीजिए, हमारा सपना, हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य सब बर्बाद कर दिया इसने। तुम खूनी हो जे, खूनी हो तुम। मुझे खुश रखना चाहते हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन कर देव जी को मुझसे छीनने की कोशिश की, मेरे बच्चे को मार डाला तुमने। मैं दोस्त माना था, तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे बच्चे को सारी गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी गलती। ये क्या हो गया? मैं तो विधि से बहुत प्यार करता हूं, ये मेरे कारण विधि को दुख कैसे पहुंच गया? नहीं नहीं, गलत फहमी हो रही विधि को, नादान है ना वो, वक्त के साथ समझ जाएगी कि मैंने जो कुछ भी किया था उसकी भलाई के लिए किया था। कहीं सच में मैंने उसे बर्बाद तो नहीं कर दिया ना? नहीं, विधि विधि तो मेरी है, ये समय के साथ उसे उसे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे प्यार में कितनी ताकत है। दादा ने ना वो विधि को पाकर रहूंगा मैं। बस इस देव रायचंद से उसका पीछा छुड़ाना होगा। मार डालूंगा इसे मैं। I love you, Vidhi. I love you. Dev Raichand, छोड़ूंगा नहीं तुझे। खबरदार जय, मिलने की कोशिश मत करना। यू आर अंडर अरेस्ट, पकड़ा इसे। ले जाओ इसे। एक मिनट, कब तक बांध कर रखोगे इसे? विधि मेरी है देव रायचंद, और इसे पाने के लिए मैं वापस आऊंगा और दुनिया एक कर दूंगा। चल आप, बहुत जल्द आऊंगा। आप आई एम प्राउड ऑफ यू देव, तुमने कर दिखाया।
थैंक यू फॉर एवरीथिंग राजन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आपने विधि को क्यों किडनैप किया था? आपने ऐसा क्यों किया सर, बताइए. लेके चलो इसे. मालिक देव रायचंद की वाइफ का किडनैपिंग केस आज सॉल्व हो गया है. पुलिस के मुताबिक इस केस में किसी आम इंसान का नहीं बल्कि सुपर फीस्ट फूड प्रोडक्ट्स के मालिक जय शाह का हाथ था. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, विधि को जय ने किडनैप किया? हाउ इज पॉसिबल? मेरा शक सही निकला. मुझे इस आदमी पे शुरू से शक था और आज यकीन में बदल गया. देखा चित्रा, आपका जो बॉस है जय शाह जी, वो मेरा स्कूलमेट था. पहले मैं उसे पहचान नहीं पाई लेकिन अब मैं उसे अच्छे से पहचान गई हूं. लड़की मना करे ना, इट मींस नो. फिर वो चाहे बीवी क्यों ना हो. थैंक यू जय, तुमसे बात करके मेरा आधा स्ट्रेस खत्म हो गया है. जितना प्यार से तुम मुझे समझाते हो, इतना प्यार से मुझे कोई नहीं समझा पाता. आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है. जय, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था. तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों अपने भाई से लड़ी हूँ, तुमने मुझे धोखा दे दिया. ठीक है बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, वो इंसान ही गलत है. बस हमारी विधि बच गई. सच में ये लड़का मुझे कभी पसंद नहीं था. पहले से ही बड़ा अजीब सा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी. क्या हो गया इंसान को बिमला? क्या सोचा था इसके बारे में, क्या निकला है ये? सर, जय शाह ने विधि को इसलिए अपने ऑफिस में अपॉइंट किया था क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे. जय शाह की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने प्यार जैसे पवित्र नाम को एक गलत और घिनौना नाम दिया. रावजी भाई के बेटे होने की वजह से विधि ने हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, उसकी मदद की, जिसे जय ने कुछ और ही समझा और अपने पागलपन की वजह से वो एक क्रिमिनल बन चुका था. मुझ पर अटैक करवाया, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है. बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया है जिसकी वजह से हम उसकी हैवानियत को समझ नहीं पाए. लेकिन झूठ और मक्कारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है. और जय शाह अपनी झूठ और मक्कारी की सजा जरूर काटेगा. थैंक यू. कभी सोच भी नहीं सकता था कि रावजी भाई का. छोड़िए ना, रावजी भाई की आत्मा को क्यों कष्ट देना? बुरा काम इसने किया है, सजा भी इसे ही मिलेगी. हमें तो मिला अपनी माता का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बच्ची सही सलामत हमारे पास आ गई. और क्या चाहिए हमें? देव जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. आपने कितनी कोशिश की मुझे जय की सच्चाई समझाने की, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई. उसके अंदर का पाप मैं देख ही नहीं पाई. कितनी बेवकूफ थी ना मैं बस वही देखती चली गई जो वो मुझे दिखाना चाह रहा था.
I'm really very sorry, Dev ji. Vidhi, तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम हर चीज में अच्छाई देखती हो, जय में भी तुमने अच्छाई ढूंढी हुई। विधि, तुम एक औरत हो और ये दुनिया जय जैसे लोगों से भरी पड़ी है, खुद को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है, ये भूलना मत। और अपने सब को लेकर गिल्टी मत हो जाना प्लीज, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है उससे हम सीखते हैं। I'm sure हम दोनों ने इससे बहुत कुछ सीखा। क्या कर रही हो बेमला? हाथ छोड़ो मेरा। इतने दिनों से आप जिनके नाम पे बिदक रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से हमारी बेटी जिंदा है। हाँ, मानती हूँ मैं कि विधि और उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन आज आज विधि हमारे साथ है और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आपको जितना रूठना था आप रूठ लिए, जितनी नाराजगी दिखानी थी दिखा ली। अब आप मिला अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ेंगे और उनसे उनसे धन्यवाद कहेंगे। चलिए। आपको मेरी कसम, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाथ जोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी सिमी से हारने का तो मजा ही कुछ और है ना। और जल्दी से हमें एक छोटा सा भाई या बहन चाहिए, है ना सिमी? चाहिए ताऊजी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ना नहीं, वो बस पता नहीं पेट में थोड़ी जलन सी हो रही है। विधि हो, चल चल आराम कर ले बेटा। भाभी आराम से आ। क्या हो गया? चलो बैठो। वो क्या रहा? पेट में दर्द। डॉक्टर के पास चलते। डॉक्टर के पास क्यों जाना आपको? तुम्हारे मामले में मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहता। डॉक्टर को फोन तो करना पड़ेगा। नाम सुनो डॉक्टर। डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर भाटिया, मैं देवराज सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं देखती हूँ। थैंक यू। किसी ने बुके भेजा है। अब किसने बुके भेजा? तू देव विधि चित्रा फ्रॉम मुंबा? क्या लिखा है? वेलकम बैक
देव एंड विधि, तुम्हारी इस नई जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन इस खुशी में एक और जिंदगी है जिसके बारे में शायद तुम भूल गए हो, वो है तुम्हारी प्यारी चित्रा। बहुत भरोसा था ना तुम्हें उस जय के ऊपर। विक्रम में चाहे कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन वो जय से लाख गुना बेहतर है। चित्रा को अपने लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए विक्रम की जरूरत है। ये मैं चित्रा के भले के लिए कह रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। फ्रॉम अंबा मेहता। मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ, और वैसे भी जय ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई, इस दुनिया में किसी पे विश्वास करूं या ना करूं, लेकिन अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। मैंने तय कर लिया है, मैं विक्रम को दूसरा मौका नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विधि को कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है अपने पेशेंट की हेल्प करना, और विधि की हेल्थ को देखते हुए मैं आप दोनों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो आपकी लास्ट प्रेगनेंसी किसी मिरेकल से कम नहीं थी। अभी की सिचुएशन को देखते हुए आप दोनों को नेचुरली कंसीव करने के लिए समय लगेगा, जिसमें लाइफस्टाइल, एज जैसे कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और विधि भी पिछले कुछ समय से जितने स्ट्रेस से गुजरी हैं उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, और ऐसे में नेचुरली प्रेग्नेंट होना डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं डॉक्टर? मुझे लगता है आप दोनों को जल्द से जल्द IVF के लिए ट्राई करना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स अ 7 days प्रोसीजर। शुरुआत में सिर्फ आपको बुलाएंगे और आपको सीधा 5वें दिन आना होगा, और उसके आगे के प्रोसीजर के लिए 2-3 दिन एडमिट रहना होगा। दैट्स इट।